नमस्कार, C20 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारीलाल कुशवाहा। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने बताया कि कई समय से यह लूट करने वाला गिरोह सक्रिय था और अपने आप को क्राइम ब्रांच का बताकर लोगों से धन उगाही व लूटपाट करने का काम किया करते थे, जिसकी सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई तो थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फर्जी क्राइम ब्रांच टीम की तलाश शुरू कर दी, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच बताकर लूटपाट करने वाले गिरोह के दो सदस्यों जिसमें अमित शर्मा पुत्र श्रीनिवास खरगजीत नगर व पंकज यादव पुत्र उमेश चंद निवासी ब्योती खुर्द थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनके कब्जे से लूट की हुई दो मोटरसाइकिलें, एक पिस्टल, 10,000 रुपये भी बरामद किए हैं। इस गिरोह के सदस्य अपने आप को क्राइम ब्रांच पुलिस बताकर राहगीरों से लूटपाट किया करते थे और जनपद में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर क्राइम ब्रांच पुलिस बताने वाले दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज ये दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, एक अमित शर्मा, दूसरा पंकज यादव। इनके बारे में काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि जगह जगह जनपद में कई जगह इनके द्वारा अपने को क्राइम ब्रांच का बता करके और लूटपाट की घटनाएं की गई। इस संबंध में दन्नाहार में और कोतवाली में अभियोग भी पंजीकृत है। इनसे पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि ये आसपास के जनपदों में भी इस तरह की घटनाएं करते थे। इनके पास से दो मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और लूटा गया 10,000 रुपया बरामद हुआ। अभी इनसे पूछताछ और किया जा रहा है, जिससे कि कहां कहां घटना कैसे किए हैं ये पूरी जानकारी हो सके। सर, कोई अपराध भी आगे से पहले भी है?